व्हाइट सॉस पास्ता। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक पैन में पानी उबलने के लिए रख देंगे और उसमें नमक डालेंगे। और एक चम्मच तेल ऐड करेंगे। अब इसमें 2 कप पेने पास्ता डालेंगे और 10 मिनट के लिए पका लेंगे। पास्ता को पूरी तरह नहीं पकाना है, 90% पकाना है। 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे, ये हो गया है। अब गैस को ऑफ कर लेंगे और पास्ता को स्टेन कर लेंगे। अब एक दूसरे पैन में तेल ऐड करेंगे और बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे और उसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और सॉटे करेंगे। अब एक मीडियम साइज प्याज कटा हुआ डाल देंगे। अब 1 कप गाजर ऐड करेंगे और 1 कप कॉर्न ऐड करेंगे। अब थोड़ी देर सारी सब्जियों को पका लेंगे। अब ये सब्जियाँ थोड़ी बहुत पक गई है। अब थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अब इन सारी सब्जियों को एक कटोरी में ले लेंगे अब एक पैन में बटर ऐड करेंगे अब बटर मेल्ट होने लगा है। अब मैदा ऐड करेंगे और फटाफट मिक्स करेंगे। ध्यान रखें कि कोई लम्स ना पड़े। अब धीरे धीरे दूध ऐड करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई लम्स फॉर्म ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब एक आधा कटा हुआ प्याज के ऊपर एक तेज पत्ता लगा के 2 लौंग डाल देंगे और इसको व्हाइट सॉस में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि प्याज का ना तेज पत्ते का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ऑरेगानो भी डाल देंगे और मिक्स हर्ब्स डालेंगे। अब नमक डाल देंगे। नमक आप ध्यान रखें कि हमने सब्जियों में भी डाला है, पास्ता में भी डाला है, तो थोड़ा कम ही डालें। अब ये व्हाइट सॉस पक गया है। अब ये आधे कटे हुए प्याज को बाहर निकाल देंगे। अब सॉटे की हुई सब्जियों को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अभी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब पास्ता ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा मज़ेदार सा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। अब इसको सर्व कर लेंगे। अब व्हाइट सॉस पास्ता पे थोड़े से मिक्स हर्ब स्प्रिंकल करेंगे, ये ऑप्शनल है। अब
अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।